सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 9th क्लास में सॉलिड ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। एक वर्ग घन क्षेत्र का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जो अपने वर्गाकार पर खड़ी है, जबकि वर्ग की एक भुजा बाईं ओर एक्स वाई रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर और घन क्षेत्र की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक्स वाई रेखा लेनी है यहाँ पे, इस तरह से एक्स और वाई रेखा आ गई है। हमने क्या करना है, यहाँ पे 30 डिग्री का ये कोण बता रहा है, तो ये हमारा जो सर्कल है इसमें ये कोण 90 का, ये 60 का और ये हमारा 30 डिग्री का है। तो यहाँ से ये हमारे को ये कह रहा है कि बाईं ओर से यहाँ से हमने 30 डिग्री लेना है, यहाँ से इस तरह से हम यहाँ से रेखा ले लेते हैं और ये जो रेखा है इसको हम आगे बढ़ा देंगे और डॉटेड हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो कोण हमारा है ये 30 डिग्री का हमारा आ रहा है यहाँ से इस तरह से। यहाँ से हमने जो है ये एंगल लिया है, ये है 30 डिग्री का, यहाँ से हमने लिया है और यहाँ से आगे जहाँ ये हमारा पॉइंट ये आ रहा है यहाँ से आगे हमने लेना है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ये आपका 2 और ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर आ गया है। वर्ग है तो वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ से हमने 90 डिग्री लेना है और भुजा हमने लेनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ से भी हमने 2.5 सेंटीमीटर लेना है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और इन रेखाओं को हम थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, इस तरह से। और अब यहाँ पे भी नाप लेते हैं इसको, तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल 2.5 सेंटीमीटर हमारा है इस तरह से। ये हमारा वर्ग बन के तैयार हो गया है। ये हमारा है ए पॉइंट, ये हमारा है बी पॉइंट, ये है हमारा सी और ये हमारा है डी पॉइंट। अब हमने क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन लेने हैं सबसे पहले। जैसे मैंने आपको बताया एक्स वाई तक हम सबसे पहले प्रोजेक्शन लेंगे और ये हम डी से पहला प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ इस तरह से। तो ये हमारा प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। हम ए से प्रोजेक्शन ले लेंगे इस तरह से। अब हम लेंगे सी से इसका पोजीशन ले लेते हैं इस तरह से। अब हम लेंगे बी से इसका पोजीशन ले लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपका है डी और ये हम यहाँ पे यति के साथ लगाएंगे। ये आपका है ए, ये यति के साथ होगा, ये हमारा है सी, ये हमारा यति के साथ होगा, ये हमारा है बी, ये भी हमारा यति के साथ होगा। इसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हमने क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री पे हमने सीधे बिल्कुल पोजीशन लेने हैं। आप चाहो तो फुट्टे से भी अब हम यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि ये लाइन हमारी सीधी है, तो हमने इसी पे ही यहाँ ऐसे फुट्टा रखना है इतना। ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, यहाँ से ऊपर ये हमारा यह रख सकते हैं इसी तरह से। ये हमारी लाइन आ रही है, इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो हमारी लाइन है ये डॉटेड आई क्योंकि ये आपका डी और ये आपका बी है, ये इसके पीछे जो है लाइन है, तो ये हमारी यहाँ से डॉटेड रेखा आएगी इस तरह से। आप देख सकते हैं सी हमारा डार्क आएगा बी भी हमारा डार्क। आप देख सकते हैं इसको ऊपर से मिला लेते हैं इस तरह से,
यहाँ कर सकता है। ये पॉइंट के हम नाम दे देते हैं, ये आपका नीचे जो नाम दिए हुए वो ए बी सी और डी है, और यही तल जो जब ऊपर हम देखेंगे इसको तो ऊपर हमारे नाम आ जाएंगे इसके एच ई एफ जी और एफ। ये हमारा है एफ, ये हमारा है एफ और ये हमारा आएगा जी। इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ये हमारा बनके तैयार।